जहां डुमरी के उपचुनाव पर आजसू की आपात बैठक बुलाई गई है। सुदेश महतो समेत अन्य कार्यकर्ता भी बैठक में शामिल है। यशोदा देवी के नाम पर आजसू इस बार दाव खेल सकता है। और हम आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी है यशोदा देवी। और जिस तरह से एनडीए की साठ गांठ चल रही है, बीजेपी और आजसू ने पूरी तरह से इस बार सोचा है कि एक साथ चुनाव लड़ना है। जिस तरह से पिछली बार भी रामगढ़ उपचुनाव में आजसू ने बाजी मारी थी और सुनीता चौधरी जीतकर उपचुनाव में बाहर आई थी, उसी तरह से इस बार फिर से डुमरी उपचुनाव में आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। और हम आपको बता दें कि यह जो आपात बैठक बुलाई गई है आजसू की, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद आजसू मुख्यालय पहुंचे हैं और वहां पर बैठक चल रही है। डुमरी उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर मंथन किया जाएगा और यह भी देखना रहेगा कि आखिरकार यशोदा देवी पर आजसू मुहर लगाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही है कि एक बार फिर से यशोदा देवी पर इस बार दाव खेलने वाली है आजसू, और देखना रहेगा कि आखिर कौन जीतकर वापस आता है, क्योंकि इस बार फिर से डुमरी उपचुनाव में इस बार उपचुनाव में जेएमएम की तरफ से बेबी देवी चुनाव में लड़ने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कमल कुमार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव के लिए। बात करते हैं उनसे। कमल बताइएगा जी, कमल बताइएगा कि क्या कुछ अभी तक अपडेट्स आ रहे हैं। जिस तरह से आजसू की आपात बैठक बुलाई गई है और ऐसे में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद वहां पे मौजूद है, क्या लग रहा है, क्या कुछ निकल के आ सकता है आज? लेकिन सेकेंड जो पोजिशन तब थी वो यशोदा देवी की आजसू की, जिन्होंने 36,840 वोट लाया था। हालांकि जगन्नाथ महतो ने 70,128 वोट लाकर यशोदा देवी को हराया था और लगभग 34,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी प्रत्याशी हो सकती है, और इसकी जो आधिकारिक तौर पर घोषणा है वो इस बैठक के बाद, जो आजसू की बैठक चल रही है उसके बाद हो सकती है। और यह साफ हो जाएगा कि जो कयास लगाए जा रहे थे यशोदा देवी को लेकर के वो अभी साफ हो जाएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से पहले ही यह तय है और मंत्री भी बनाई जा चुकी है बीजेपी भी, अब 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। अब आजसू की तरफ से अगर यशोदा देवी का नाम आता है तो ये भी साफ हो जाए तब वह नॉमिनेशन करेंगी। और इससे पहले ही बाबूलाल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सुप्रीमो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात भी की थी दिल्ली से लौटने के बाद, और डुमरी उपचुनाव को लेकर के चर्चा भी हुई थी। तो माना जा रहा है कि जो प्रत्याशी होगा एनडीए का वो आजसू की तरफ से होगा, उनकी दावेदारी है, उसकी घोषणा हो सकती है इस बैठक के बाद। तान्या जी बिल्कुल, जिस तरह से कमल अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो जेएमएम से बेबी देवी आने वाली है और अभी तक एनडीए ने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है महिला और महिला की लड़ाई में कौन जीत सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार जेएमएम से निकल के आए थे जगन्नाथ महतो और पिछले बार यशोदा देवी हार गई थी, तो इस बार क्या कुछ आ सकता है? देखिए, जिस तरह से 2019 के चुनाव में एक अहम बात यह भी थी कि आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी होगा, एकजुटता के साथ ये लड़ रहे हैं। हालांकि यह एक दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन दल की बात करें तो सिंपैथी वोट मिल सकता है जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को, लेकिन मजबूती के साथ एनडीए भी नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों एकजुट होकर के संयुक्त प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो होगा वो दिलचस्प होगा, कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन उम्मीद कहा जा सकता है कि पिछले जिस तरह से रामगढ़ उपचुनाव हुए थे उसमें भी ये दावा हुआ था
इंडिया उस समय यूपीए गठबंधन थी, उनके उनके द्वारा दावा हुआ था कि उनके प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से जीत हासिल की गई थी। अब इसी तरह से इसको भी देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि वहाँ जीत हासिल कर सकते हैं बेबी देवी, लेकिन जो आजसू और बीजेपी एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, तो ये कड़ा मुकाबला होगा। देखना होगा कि किसके पाले में ये गेंद जाती है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि दोनों महिलाएं प्रत्याशी हो सकती हैं। यशोदा देवी का अगर नाम आता है, दोनों महिलाएं प्रत्याशियों के बीच टक्कर होनी है। तान्या जी, बिल्कुल धन्यवाद कमल पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से इस बार महिला बनाम महिला के में जो लड़ाई है इस बार हो सकती है, क्योंकि अभी तक आजसू एनडीए ने अपना पत्ता नहीं खोला है कि आखिर कौन उनकी प्रत्याशी होने वाली है, लेकिन जिस तरह से आपात बैठक बुलाई गई है और बाबूलाल मरांडी से मुलाकात के बाद ही यह बैठक बुलाई गई है, तो यह एक कयास लगाया जा सकता है कि इस बार एनडीए की तरफ से यशोदा देवी सामने आ सकती है और काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। और देखने की बात रहेगी कि डुमरी उपचुनाव से कौन सामने आता है।